गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ चुकी है बीजेपी के नेताओं को। छोटे से शब्द को लेकर पूरा माहौल बनाना कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही सीखे, कांग्रेस का यह सीधा आरोप है मर्जा मोदी वाले बयान पर। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल पर आके जैसा कल प्रेरणादायक भाषण श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और पूर्वोत्तर राज्यों में जो हमारी जीत हुई है, धन्यवाद दिया वहां के लोगों का। ये हमारी विचारधारा है, लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करी, जितने अभी तक के सब प्रधानमंत्री के दौरे लगे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, अकेले नरेंद्र मोदी जी 50 से ज्यादा बार वहां पे गए हैं। और आज विश्वास कोई जगाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व लगाता है। राजनीति में आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहना, अमर्यादित भाषा बोलना, आप उनके परिवार के लिए गलत शब्द कहें, ये किस तरह की राजनीति है? और मैं समझता हूं कल के जो परिणाम आए हैं चित्रा जी, ये एक बड़ी बात उजागर करते हैं कि भारत के जो लोग हैं ये सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। अगर आप गाली देंगे किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाएंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए तुल्ला मोदी मसूद अजहर ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम और आयशा ऐसे करेंगे, तो मैं समझता हूं जनता जवाब देगी और मजबूती से देगी। दूसरी बात देखिए, अकेले दमखम नहीं होता ना, तो सारे जुगनू मिल बैठते हैं, कहते हैं आओ ऐलान करें सूरज को हटाएंगे। वही हाल आज महाठगबंधन का है। आप मुझे बताइए, ये सब लोग साथ आने की बात कर रहे थे और ममता बनर्जी ने तो अब ऐलान कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और मुझे एक पिक्चर आई थी दिल चाहता है, वहां पे डायलॉग था केक खाने के लिए तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, वैसे ही स्टालिन जी का जन्मदिन था, आपने देखा था वहां पे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला सब पहुंच गए थे। चित्रा जी आप मुझे ये बताइए इनकी विचारधारा क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या है आप बताइए। इनके एमएलए टीएमसी में जाते हैं, टीएमसी इनसे बड़ी पार्टी बन जाती है मेघालय में, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आज ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास काडर है और ना विचारधारा है। चरण सिंह और सापरा जी, जनता पार्टी के पास तीनों है। ये बात तो सच है ना। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती हुई चली जा रही है कांग्रेस के मुकाबले, उसका जीत प्रतिशत आप देख लें। दूसरी तरफ आपके नेताओं की बदजुबानी, क्या कांग्रेस ने अपने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा? जब जब आपकी ओर से या आपकी पार्टी के किसी भी नेता की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ बदजुबानी हुई है, उसको बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, तो मौका तो आप लोग ही दे रहे हैं। अब मोदी मर जा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के बयान जब दिए जाएंगे तो यकीनन उसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में जाएगी और फिर क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना काम मजबूती से कर रही है, जमीनी स्तर पर भी मजबूती से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर सहानुभूति लेते हैं तो वो उनका एक षड्यंत्र है, वो सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं और सहानुभूति के साथ साथ वो विषय से जो देश के मेन मुद्दे हैं, जो विपक्ष के मेन मुद्दे, जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है जिस पर प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं, फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा हो, चीन का विषय हो, ये तमाम सारी बातों पर अडानी की लूट चल रही है और नरेंद्र मोदी म्यूट है, इसके ऊपर वो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो सहानुभूति लेने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। वो स्वतंत्र हैं, उठा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी याद दिलाना जरूरी है कि इस तरह का वक्तव्य जो है वो वहां से भी बहुत बार आए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को दीमक कहा है, खूनी पंजा कहा है, सोनिया जी के लिए जर्सी गाय कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए रेनकोट पहन के नहाते हैं मन मौन, इस तरह से उन्होंने कहा। अब मौन मोदी बने हुए हैं, अब मौन मोदी अडानी पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला था। तो ऐसा है कि ये करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये इनकी पद्धत चल रही है, यानी ये करे तो चमत्कार और हम करे तो गुनेगार। और अमित शाह जी आज जो कर्नाटका के अंदर उछल उछल के बोल रहे थे, अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इतनी रेलेवेंट नहीं है,
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि इतने चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, इतने एमएलए कांग्रेस पार्टी से चले गए, अगर कांग्रेस पार्टी रेलेवेंट नहीं है तो फिर राहुल गांधी दो लाइन का ट्वीट करते हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जमीन से 6 फुट ऊंचे उठ जाते हैं। ये किस लिए, क्यों घबरा रहे हो? कर्नाटका में जाकर के आप 40% कमीशन खोरी की बात नहीं करते? ठीक है, आज ही के बीजेपी के एमएलए का बेटा जो है उसके पास से कैश पैसा पकड़ा गया है, 60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है गौरव भाटिया जी, उन्होंने भी तमाम फहरिस्त गिनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी या फिर उनके नेताओं को लेकर किस तरह की टिप्पणी की है। ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर लौट रही हूँ आपके पास। गौरव भाटिया जी, देखिए कांग्रेस को अपना प्रवक्ता भेजने के बजाय एक टेप रिकॉर्डर भेज देना चाहिए या सीडी, और वो सीडी चल जाए। बोलते तो वही है, मुंह से क्या निकला। चित्रा जी आपने सुना, इन्होंने कहा बड़ी मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मजबूती इतनी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी इनका सूपड़ा साफ हो रहा है और ये इनको मजबूती दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहते हैं चित्रा जी, कबर खुदेगी। मैं एक बात आज तक पे कहना चाहता हूं, भारत में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद मिला है कि उनकी कब्र खोद दे। और जो आप हमारे सर्वोच्च नेताओं के बारे में कह रहे हैं ना, ऊपर कूद रहे हैं 6-6 फीट, जनता 6 फीट नीचे जमीन के आपकी कब्र खोद रही है, आपको पता नहीं चल रहा है? अरे विक्टिम कार्ड, चित्रा जी आपने पूछा, विक्टिम कार्ड जो है छुई बीच में ना बोले चित्रा जी, इनके बीच में देखिए मैं कभी इसी ने बोलता नहीं हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता तो है आपकी कि घबरा आवाज के नहीं बीच में साफ बोलते आएगी। ठीक है रहते। गौरव भाटिया जी बोलिए, वो चुप रहेंगे फिर मैं उनके पास जाऊंगी। बोलिए। हाँ धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। देखिए मैं एक बात बताऊं, भारतीय राजनीति की छुई मुई अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। उनपे आप एक टिप्पणी कर दीजिए, इन लोगों को दर्द हो जाता है। विचित्र बात है, आप मुझे ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी ये कह रहे थे, अब आप 3 चुनाव के परिणाम आए, भारत तोड़ो यात्रा कहें या कांग्रेस तोड़ो यात्रा, कांग्रेस और टूट के बिखर गई है, ये बेचारे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, इतना रायता राहुल गांधी ने फैला दिया है। मैं एक बात आपके और कह दूं चैनल पे, देखिए अहम बात क्या है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, शांत करा लीजिए। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। तथ्य है जी, धन्यवाद धन्यवाद, मैं तथ्य देता हूँ। 5 राज्यों में पहले चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, 4 में हमारी सरकार थी, 1 में इनकी सरकार थी, ये पंजाब से इनका सूपड़ा साफ हो गया। हम 4 राज्यों में आए, उत्तर प्रदेश में दोबारा आए, उत्तराखंड में दोबारा आए, गोवा में 3री बार आए, उसके बाद गुजरात में आपने देखा 7 बार से भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है, और अब तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में भी हमारी जो परफॉर्मेंस है देख ही रहे हैं आप। ये क्या दर्शाता है कि ये चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं क्योंकि वंशवादी हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं। और कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं अंत करूंगा, उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं मर जा मोदी और देश कहता है मत जा मोदी, यही बात इनको समझ में नहीं आ रही।